जो शून्य से शिखर तक ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बंध गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन नव दायित्व मिला है तो उसमें सफलता भी भगवान से प्राप्त होगा। मंच पर हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्री, माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा, यहां उपस्थित जनसैलाब, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किए इनका भी सम्मान करने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिला, उन सबका हृदय से सम्मान करते हुए, जो अटल जी कभी शरीर से जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जब तक यह धरती रहेगी कोई अटल जी को कि कभी हमसे आपसे दूर ले जा सकते हैं। मैं बचपन में एक गीत गाया गया संघ की शाखा में कि अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म कर विपदाओं में सीना ताने। ये गीत बहुत सारे स्वयंसेवक हैं उनको याद होगा, लेकिन अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, होगा परमाणु धमाका, भारत परमाणु शक्ति संपन्न बनेगा और बना करके दिखा देने वाले अनेक ऐसे ऐतिहासिक कार्य से भारत की पताका पूरी दुनिया में लहराने वाले, कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। देश की संसद में कहने वाले कांग्रेस के लोग एक तरफ बैठे थे, विरोधी लोग एक तरफ बैठे थे कि आज भाजपा की सदस्यों की संख्या कम है, आज तुम हम पर हंस रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की देश में भी और प्रदेशों में भी सरकार होगी और पूरा देश तुम्हारे नाम नहीं लूंगा उनके ऊपर हंसेगा। तो अटल जी का आशीर्वाद साकार हुआ कि नहीं हुआ? जो जो बातें अटल जी, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी कहकर के गए, आशीर्वाद देकर के गए, वह सब सफल हुआ और हम सब कार्यकर्ता पूज्य अटल जी के बताए रास्ते पर चल करके और सफलता के शिखर तक अभी पहुंचना जो कुछ बकाया है, अभी तो 73 तक पहुंचे, अभी तो 80 तक पहुंचना है उत्तर प्रदेश में, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का पूज्य अटल जी के चरणों में मैं बारम्बार नमन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा न बोल करके इतना ही निवेदन कर अपनी वाणी को विराम, दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।